नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल सक्सेस प्लेस में। इस वीडियो में हम बात करेंगे दो बेहतरीन फार्मा शेयर के बारे में जो आपको इस महीने में बोनस शेयर और स्टॉक स्प्लिट करने जा रहा है। तो ये लास्ट मंथ है आपके एलिजिबिलिटी का, मतलब आपके बेनिफिट्स लेने का, जो बोनस शेयर है और स्टॉक स्प्लिट है उसका। तो ये लास्ट मंथ है, तो अगर कोई भी पहले से इसमें इन्वेस्टेड है, निश्चित है कि आप बोनस शेयर और स्टॉक स्प्लिट का फ़ायदा लें। और जैसे बोनस शेयर और स्टॉक स्प्लिट होता है उसके बाद तेज़ी आता है, तो निश्चित है कि आपके पास जो जितना नंबर ऑफ शेयर्स अधिक होंगे उतना ज्यादा आपका इन्वेस्टमेंट ग्रोथ होगा। अगर एक रुपया से ग्रो होता है प्राइस, तो आपके पास 10 शेयर है, 10 रुपया से ग्रोथ होगा। अब जाके बोनस और स्प्लिट के बाद 100 शेयर हो गया, तो आपका एक रुपया के मतलब इंक्रीज होने से स्टॉक का प्राइस आपका 100 रुपया इंक्रीज होगा। तो दोस्तों, काफी बेहतरीन अपॉर्चुनिटी होता है जो कि लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टेड होते हैं उनके लिए बोनस शेयर और स्टॉक स्प्लिट। तो ऐसे ही दो फार्मा शेयर जिसके बारे में मैंने पहले भी बात किया था और इस वीडियो में हम दोनों को एक साथ बात करेंगे। ये हमारा शेयर है पहला लुडुज लैब, काफी बेहतरीन शेयर है। 1257 रुपये इसका प्राइस है, यहां पर देख सकते हैं। अगर इसके वैल्यूएशन की बात करें तो कंपनी का वैल्यूएशन अभी 13000 करोड़ का मार्केट कैप है, P/32.99 का है, जो कि इंडस्ट्री के पी से अभी भी कम वैल्यू पे ये आपको मिल रहा है, मतलब इंडस्ट्री के पी से सस्ते वैल्यूएशन पे मिल रहा है। अर्निंग पर शेयर 38 का है, तो ये भी काफी बेहतरीन है। डिविडेंड भी कंपनी देती है, तो कॉर्पोरेट टैक्स पे जाकर के आप डिविडेंड देख सकते हैं। जैसे हम कॉर्पोरेट टैक्स पाते हैं, डिविडेंड पे क्लिक कीजिएगा, देख सकते हैं 2020 में दो बार डिविडेंड दे चुकी है, 2019 में भी दिया था कंपनी 18-17। तो अभी फार्मा सेक्टर काफी ग्रोथ में है, तो निश्चित है कि इसमें आपको काफी ग्रोथ देखने मिलेगा। तो ये कंपनी देने जा रही है आपको स्टॉक स्प्लिट, तो ये कंपनी स्टॉक स्प्लिट करने जा रही है। देखते हैं 29 सितंबर स्टॉक स्प्लिट का डेट है। डायरेक्ट 10 रुपये फेस वैल्यू से 5 रुपये फेस वैल्यू होने जा रहा है, मतलब आपको पास अगर 100 शेयर है तो आपके 100 शेयर के बदले हो जाएंगे 500 शेयर, 100 शेयर के बदले 500 शेयर हो जाएंगे, तो काफ़ी बेहतरीन मौका है। साथ ही साथ आप इसके फाइनेंशियल को देख लीजिएगा, तो रिजल्ट भी काफ़ी इंप्रूव हुआ है। देखते हैं 15 करोड़ से ये कंपनी 171 करोड़ पर आ चुकी है। यहाँ पर आप क्लिक कीजिए एनुअल पर, तो देख लीजिए एनुअली भी काफ़ी इंक्रीज हुआ है। 2019 में थोड़ा सा अंडर परफॉर्म रहा था कंपनी, नहीं तो काफ़ी बेहतरीन फाइनेंशियल है। रेवेन्यू भी ग्रो हुआ है, प्रॉफिट भी इंक्रीज हुआ है, लेकिन शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेगा तो यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत है। कंपनी का शेयर जो है प्रमोटर्स का 31.56% प्लेस्ड है। तो दोस्तों, ये एक थोड़ा सा डिफेक्ट है, मतलब थोड़ी सी निगेटिव पॉइंट है इस कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले, जो कि आपको जान लेनी चाहिए। बैलेंस शीट की बात करें तो कंपनी के पास जो इक्विटी शेयर कैपिटल है 106 करोड़ का है, और रिजर्व जो कंपनी के पास रिजर्व सरप्लस देखते हैं 1662 करोड़ का है, जो कि लगातार इंक्रीज हुआ है कंपनी के पास रिजर्व और सरप्लस। कंपनी के पास माइनॉरिटी इंटरेस्ट वाला जो है जीरो बैलेंस है, मतलब कोई इंटरेस्ट नहीं है कंपनी पे कर रही है। और जो कंपनी के पास डेट है, तो 288 करोड़ का कंपनी के ऊपर डेट है, तो थोड़ा सा कंपनी के ऊपर डेट भी है। कंपनी के पास एसर्ट भी काफ़ी अच्छा है, 1783 करोड़ का एसर्ट है कंपनी के पास। तो ये सारे बेहतरीन इन्फॉर्मेशन है, मतलब एक बेहतरीन कंपनी है जिसमें आप चाहे तो इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद जो अगला है हमारा अनुफार्मा, ये भी एक दूसरी कंपनी है फार्मा सेक्टर से जो कि काफ़ी बेहतरीन है और काफ़ी बेहतरीन रिटर्न देने की क्षमता रखती है आपको। और मार्केट कैप की बात करें, 1000 करोड़ का मार्केट कैप है इस कंपनी का, और जो कंपनी का पी है 40 का है, जो कि इंडस्ट्री के पी से अधिक है। तो ये थोड़ा सा महंगे वैल्यूएशन पर आपको मिल रहा है। डिविडेंड कंपनी लगातार पे कर रही है, जो कि आप कॉर्पोरेट टैक्स पे जाकर देख सकते हैं, कंपनी लगातार डिविडेंड पे किया है। देख सकते हैं 2020, 2019, 2018, 2017, 2016 लगातार पे किया है। उसके बाद जो बोनस है कंपनी, वो भी लगातार पे करते आया है। 2020 में आपको ये कंपनी बोनस दे जा रही है 1:1 का, और कंपनी 15 में 10 में 6 में 99 में, देखते हैं लगातार इंटरवल पे ये कंपनी बोनस शेयर दे रही है। आप काफ़ी इसको अंडर परफॉर्म करते होंगे, काफ़ी मतलब अंडर एस्टिमेट करते होंगे, कभी इसको आप उतना ज़्यादा नहीं लेते होंगे, लेकिन देखते हैं कितना बार, 6-6 बार ये कंपनी 5-5 बार बोनस पे की है। और स्टॉक स्प्लिट की बात करें तो वो भी कंपनी किया है, 10 से 5 रुपये स्टॉक स्प्लिट 2006 में। मतलब देखते हैं इतना बेहतरीन स्टॉक्स है जिसमें काफ़ी आपको बोनस का फायदा, स्टॉक स्प्लिट का फायदा मिलता है। और फाइनेंस पर देखिएगा, कंपनी का फाइनेंशियल भी काफ़ी सुधरा है। देख सकते हैं कंपनी लगातार प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है, रेवेन्यू भी इंक्रीज हुआ है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप कंपनी का लगातार मतलब ग्रोथ बना हुआ है, तो निश्चित है आने वाले समय में कंपनी और ज़्यादा ग्रोथ आपको दिखा सकती है।
उसके बाद जैसे हम शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें, शेयर होल्डिंग पैटर्न इस कंपनी का काफ़ी बेहतरीन है। 72% प्रमोटर्स के पास है, कोई भी शेयर प्लेस नहीं है। उसके बाद बैलेंस शीट की बात करें, बैलेंस शीट भी काफ़ी बेहतरीन है कंपनी का। इक्विटी शेयर कैपिटल मात्र 12 करोड़ का है कंपनी के पास इक्विटी शेयर कैपिटल। रिजर्व सरप्लस 149 करोड़ का कंपनी के पास है। अगर डेट की बात करें, कंपनी का डेट बिल्कुल निगलिजिबल है, मात्र 1.46 करोड़ का डेट है कंपनी के ऊपर, तो काफ़ी निगलिजिबल डेट है कंपनी के पास। जबकि एसर्ट देखते हैं 84 करोड़ का है। एसर्ट जो है डेट के मामले में काफ़ी ज़्यादा है, तो ये बेहतरीन स्टॉक है। दो बेहतरीन स्टॉक जिसमें इस मंथ में आपके पास मौका है बोनस शेयर और स्टॉक स्प्लिट का फ़ायदा लेने का, तो आप चाहें तो इन दो कंपनियों में बोनस और स्टॉक स्प्लिट का फ़ायदा ले सकते हैं। और वहीं बोनस का जो एक्स डेट है हमारा अनुफार्मा का, वो है 18 सितंबर, और जो लुडुज लैब का स्टॉक स्प्लिट का एक्स डेट है वो भी आप देख लीजिए। इसका जो एक्स डेट है ये भी लगभग यहाँ पर देख लीजिए 29 सितंबर है। 18 सितंबर हो गया बोनस का एक्स डेट अनुफार्मा का, और जो एक्स स्प्लिट डेट हो गया लुडुज लैब का वो हो गया 29 सितंबर। तो इस तारीख से पहले आप इसमें इन्वेस्ट करते हैं तो आपको बोनस और स्टॉक स्प्लिट का फायदा मिलेगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, चाहे आप पहली बार हैं, सब्सक्राइब करके बगल के बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।